खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है, जहां पर आजादी का अमृत महोत्सव व हर घर तिरंगा अभियान के क्रम में यूपी 112 वाहनों का तिरंगा मार्च पास्ट रैली निकाला गया। आजादी के अमृत महोत्सव अभियान के तहत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक केसी गोस्वामी द्वारा पुलिस लाइन परिसर से यूपी 112 वाहनों का तिरंगा मार्च पास्ट रैली निकाला गया, जो रिजर्व पुलिस लाइन भिनगा गेट से निकलकर भिनगा कस्बा ईदगाह, भिनगा जेल रोड, समरी चौराहा, कस्बा इकोना होते हुए जगजीत इंटर कॉलेज इकोना परिसर में पहुंचकर रैली का समापन किया गया। तिरंगा झंडा के प्रति आम जनमानस में सम्मान जगाना तथा पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है, इसका मुख्य संदेश था, जिसे लोगों के बीच तक पहुंचाया गया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर अतुल कुमार चौबे, प्रतिसार निरीक्षक विनोद कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद है, जिनकी मौजूदगी में जिले में वाहनों ने भ्रमण करते हुए रैली निकाली। सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल पर आप देख पा रहे हैं श्रावस्ती जनपद के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें, जहां पर पुलिस के वाहनों के द्वारा रैली निकाली गई और लोगों को जागरूक किया गया। श्रावस्ती जनपद के जिला मुख्यालय भिनगा ईदगाह तिराहे की ये तस्वीरें हैं, जहां पर तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से एक के बाद एक वाहन जो काफी दूर तक एक लाइन के शक्ल में नजर आ रहे थे, उन्होंने पूरे जनपद के कई हिस्सों में पहुंचकर भ्रमण करते हुए इस यात्रा का इकोना के जगजीत इंटर कॉलेज परिसर में पहुंचकर समापन किया।